तो नाजरीन, हमारी आज की वीडियो उस्मान गाजी और बाला खातून पर है। उस्मान गाजी और बाला खातून सल्तनत उस्मानिया का एक तारीखी कपल। ताहाल नशर होने वाली तुर्क सीरीज कोरुश उस्मान की वजह से इस कपल को काफ़ी पसंद किया जा रहा है और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे इस कपल का हैशटैग उस बाल के नाम से काफ़ी मशहूर है। तो हमारी आज की वीडियो में हम उस बाल यानी उस्मान और बाला के कपल का तारीखी एतबार से और कोरलिश उस्मान सीरीज के एतबार से जायज़ा लेते हैं कि इस कपल के बारे में तारीख क्या कहती है और कोरलिश सीरीज में क्या दिखाया जा रहा है। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि इस कपल के बारे में आपकी क्या राय है। सबसे पहले मैं बता दूं कि तारीखी एतबार से मैं बाद में लिखी गई उस्मानी तारीख के मुताबिक बात करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस्मान गाजी और बाला खातून की पैदाइश पर। उस्मान गाजी की पैदाइश 1258 में सोगुत में हुई और बाला खातून की पैदाइश भी इसी साल यानी 1258 में तुर्की में हुई। और अगर कोरलिश सीरीज के मुताबिक देखें तो भी उस्मान गाजी और बाला खातून को तकरीबन हम उम्र ही बताया गया है। तारीख में उस्मान गाजी और बाला खातून की शादी से मुतल्लिक एक ख्वाब का जिक्र मिलता है कि एक रात उस्मान गाजी शेख ऐदब अली के घर में कयाम पजीर थे। वहां उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के मुस्तकबिल के बारे में एक ख्वाब देखा और शेख ऐदब अली को बताया, जिसके बाद शेख ऐदब अली ने उस्मान गाजी और अपनी बेटी बाला खातून की शादी की इजाज़त दी। और कोरलिश सीरीज में भी बहुत तफसील से इस तारीखी ख्वाब का सीन बताया गया है। और इसी ख्वाब के बाद शेख ऐदब अली ने उस्मान गाजी को बाला खातून से निकाह करने की इजाज़त दी थी। तारीखी एतबार से उस्मान गाजी और बाला खातून का निकाह 1288 में हुआ था, जब उस्मान गाजी खुद काई कबीले के सरदार थे। मगर कोरलिश की कहानी के मुताबिक हमें बाला खातून और उस्मान गाजी का निकाह काफ़ी पहले यानी अर्तुगरुल गाजी के दौर में ही होता हुआ दिखाया गया है। अगर तारीखी एतबार से देखा जाए तो उस्मान गाजी और बाला खातून के यहाँ सिर्फ एक बेटे की पैदाइश का जिक्र मिलता है, जिसका नाम अलादीन पाशा था, जो बाद में सल्तनत उस्मानिया के पहले वजीर मुकर्रर हुए थे। मगर कोरलिश उस्मान के मुताबिक अब तक बाला खातून के यहाँ दो बच्चों की पैदाइश दिखाई गई है, पहले बेटे की जिसका नाम अलादीन अली है और फिर एक बेटी की पैदाइश भी देखने को मिलती है जिसका नाम हलीमा रखा गया है। अगर तारीखी एतबार से बात करें तो बाला खातून बहुत मोहब्बत करने वाली खातून थी और सल्तनत उस्मानिया के क़याम में बाला खातून ने अपने शौहर उस्मान गाजी का भरपूर साथ दिया। और कोरलिश सीरीज में भी हमें बाला खातून का किरदार बहुत मजबूत और मोहब्बत करने वाली खातून का नज़र आता है, जो हर कदम पर अपने शोहर उस्मान गाजी के साथ दिखाई देती हैं। तारीख में कहा जाता है कि बाला खातून ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी आयाम अपने वालिद के साथ बेलजिक किले में गुजारे। अब देखो, जब कोरलिश की कहानी इस दौर तक जाएगी तब क्या होगा। वैसे कोरलिश सीरीज के पहले बोलम यानी एपिसोड से ही हमें उस्मान गाजी और बाला खातून की मोहब्बत की दास्तान दिखाई गई है। इस सीरीज में इस दास्तान को काफ़ी अहमियत दी गई है और अब तक यानी एपिसोड 106 तक हमें तकरीबन हर एपिसोड में ही उस बाल यानी उस्मान और बाला की मोहब्बत भरे मनाजिर देखने को मिलते हैं और नाजरीन इन मनाजिर को काफ़ी पसंद भी करते हैं।